हजारों प्रतियोगी विद्यार्थियों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षाओं में आज पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इतिहास विषय पे यदि आपको अपनी पकड़ बनानी है, इतिहास विषय को यदि आपको रोचक बनाना है, इतिहास विषय में यदि आपको आनंद लेना है, चाहे साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हों, इंजीनियरिंग के हों, मेडिकल के हों, लेकिन हिस्ट्री पर उनको अपनी पकड़ बनानी है, तो मैंने आपको एक टिप्स दिया था और आज पुनः मैं आपको दे रहा हूं कि जब भी शुरुआत कीजिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, तो मॉडर्न हिस्ट्री से शुरुआत कीजिए, आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरुआत कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपने इनके बारे में कहीं ना कहीं सुना है, इनके बारे में कुछ ना कुछ आप जानते हैं। चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हों, मेडिकल के हों, कॉमर्स के हों, साइंस ग्रेजुएट हो, साइंस में आपने पीजी किया हो, लेकिन आप जानते हैं कि आप चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना है, खुदीराम बोस जी का नाम आपने सुना है, भगत सिंह का नाम आपने सुना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम आपने सुना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना है, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम आपने सुना है, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना है, वीर कुंवर सिंह का नाम आपने सुना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिन्हें देशरत्न कहा गया था उनका भी नाम आपने सुना हुआ है। इसलिए ये सब चीज चूंकि आप इनका नाम सुने हुए हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं, तो इनके बारे में जब आपको बताया जाता है तो आप आनंद से जो है एकदम आत्मशोषित हो जाते हैं और आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। इसलिए आज गुरुकुल शुरू कर रही है आप प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का एक ऐसा अध्याय जो हर प्रतियोगिता परीक्षा में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, टीचर हो, जेटेट हो, सीटेट हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, स्टेट के कोई भी एग्जामिशंस हो, हर एग्जाम में आपके लिए यह मील का पत्थर और संजीवनी बूटी का काम करेगी। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 1857 की क्रांति का छतगन, 1857 की क्रांति जो चैप्टर आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई शुरू करने के पहले आपको अपने पास एक कॉपी, दो तरह के कलम, एक रेड कलर का या ग्रीन कलर का और एक ब्लू या ब्लैक कलर का रखना है। दो तरह के कलम मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, नोट्स जितना सुंदर और आकर्षक बनेगा, नोट्स जितना थोड़ा सा रंग बिरंगा होगा, उतना ही ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। आपको ब्लैक एंड व्हाइट मूवी अच्छी लगती है कि कलर, आप सब बोलेंगे कलर मूवी। ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले वाला मोबाइल अच्छा लगता है कि कलर डिस्प्ले वाला, आप बोलेंगे सर कलर वाला, है ना। तो कलर चीजें वो ज्यादा आदमी को पसंद आती हैं, इसलिए नोट्स जब भी आप बनाइए तो उसको रंग दीजिए, विविध प्रकार के रंग दीजिए, लाल पीला हरा नीला नोट्स रहेगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा, पढ़ाई के प्रति भी आकर्षण होगा और ये आपको निश्चित तौर पर सफलता के रास्ते पे आगे ले जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात कि जब जब मैं आपको कहूं कि तीर का निशान दीजिए तो आपको इस तरीके से साइन ऑफ एरो करना है नोट्स बनाते वक्त, है ना। दूसरी बात जब मैं कहूं कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, वर्षों से यह क्वेश्चन आ रहा है, या वीवीआई है, या सुपर हिट है, या सुपर डुपर हिट है, तो आपको वहां पर तुरंत अपने नोट्स कॉपी में कर देना है वीवीआई। इससे पता क्या चलेगा विद्यार्थियों कि आप जब भी नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स को पलटेंगे, तो उस पर आपका विशेष ध्यान जाएगा कि सर ने कहा था यह क्वेश्चन कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसलिए मुझे इस पर विशेष ध्यान देना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को आपको मनन करना होगा। इसलिए आपको नोट्स तैयार करने के लिए दो रंग के कलम रखने होंगे, एक रेड या ग्रीन और दूसरा ब्लू या ब्लैक। क्या करें, जैसे ही मैं कहूं तीर का निशान दें तो वहां पर आप रेड पेन से या ग्रीन पेन से तीर का निशान दीजिएगा। नोट्स जैसे ही मैं लिखाऊंगा वहां पर आपको ब्लू या ब्लैक पेन से नोट्स लिखना है। जहां मैं कहूंगा वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पका हुआ आम है, ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में गिरेगा, आपको उसको लपक लेना है, तो उसको आपको जो है रेड या ग्रीन पेन से लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई करना है। जहां मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा, कोई विद्वान का कथन कहूंगा, तो उसको आपको अंडरलाइन कर देना है और रेड पेन से या ग्रीन पेन से उसको अंडरलाइन कर देना है। इससे आपका नोट्स बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनेगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति में जो ये मैंने किया है कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, इसको ड्राफ्टिंग कहा जाता है। ड्राफ्टिंग से क्या फायदा होता है कि आपको मैं एक टिप्स दे रहा हूं आज, आप जेपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन दीजिए, यूपीएससी का मेंस एग्जामिनेशन दीजिए, अपना आपने जो भी आप ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंटर के बाद से ही प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर देते हैं, कई विद्यार्थियों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि मैट्रिक के बाद से ही वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं इंटरमीडिएट में आने के साथ ही। तो आपको मैं ये टिप्स दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही रामबाण संजीवनी बूटी का काम करेगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इस तरह की ड्राफ्टिंग करने से एग्जामिनर नंबर ज्यादा देता है आपको, दूसरों की तुलना में आपको नंबर ज्यादा आएंगे,
क्यों नंबर ज्यादा आएंगे? दूसरे लोग कहानी की तरह हर चीज को लिखते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए अकबर का धार्मिक नीति, तो लोग कहानी की तरह लिखेंगे। मौलिक अधिकार के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया आपको इंटर में, ग्रेजुएशन में, आपका पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, पूछ दिया मौलिक अधिकारों का वर्णन करें, तो लोग लिखने लगे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, इस तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यदि आप उसी चीज को प्रस्तुतिकरण करेंगे बहुत अच्छे तरीके से ड्राफ्टिंग के द्वारा, जैसा कि मैंने अभी किया हुआ है इसको ड्राफ्टिंग के तरीके से, तो कहा जाता है कि फिल्म का यदि ट्रेलर बहुत अच्छा हो तो लोग ऐसा उम्मीद करते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी होगी। कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आप किसी से भी मिलते हैं तो पहली बार में उसका व्यक्तित्व जो बनता है तो आपके दिल में एक उसकी जगह बन जाती है। यदि हंसमुख व्यक्ति है, जिंदा दिल व्यक्ति है, सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व है, तो आपको मजा आता है कि वाह क्या व्यक्ति से मैं मिला हूं। और पहली बार में आप किसी नकारात्मक छवि के व्यक्ति से, किसी शनिचरा महाराज से, किसी ऐसे व्यक्ति से जो केवल अपने दुखों का बखान करता है, आप मिलते हैं तो आपका मिजाज खराब हो जाता है कि दूत यार कौन व्यक्ति से मिल लिए, केवल टेंशन दे दिया, तनाव दे दिया। इसलिए कहा गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, आप यदि ऑनर्स कर रहे हैं, आप यदि पीजी कर रहे हैं किसी भी विषय में, तो आप यदि इस तरीके से आंसर लिखते हैं तो आपको मैं दावा करता हूं कि दूसरों की तुलना में 20-30% नंबर आपको ज्यादा आएंगे। साथ ही साथ आप यदि इस प्रयोग को जेपीएससी के मुख्य परीक्षा में, यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में भी लाते हैं तो आपको दूसरों की तुलना में ज्यादा अंक आएंगे, क्योंकि बाकी लोग तो कहानी की तरह लिखेंगे लेकिन जब आप ड्राफ्टिंग की तरह लिखिएगा तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, मान लीजिए मौलिक अधिकारों के बारे में जेपीएससी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि मौलिक अधिकारों की विस्तृत व्याख्या करें, है ना, और उसको मैं आपने कहानी जैसे लिख दी, तो नहीं, वो ज्यादा अंकदायी नहीं होगा। लेकिन वही उसको आपने जो है ड्राफ्टिंग किया इस अंदाज में किया, छगन ऊपर आपने हेडिंग बना दिया मौलिक अधिकारों का परिचय, यहां दे दिया समानता का अधिकार, नीचे कर दिया अनुच्छेद 14-18, स्वतंत्रता का अधिकार 19-22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25-28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32-35। तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को चेक करेगा तो वो वहीं पर देख लेगा कि आप क्या बताना चाहते हैं, आपका इंट्रोडक्शन कैसा है, आप क्या दिखाना चाहते हैं, और यहीं से आपका इंप्रेशन अच्छा होगा और आपको अच्छे नंबर आएंगे। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि कई प्रतियोगी विद्यार्थियों को मैंने ये टिप्स दिया और उन्होंने जब इसे अपनाया तो उनके अंक बहुत अच्छे आए और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं सर, आपके ये टिप्स मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान साबित हुए। इसलिए प्रतियोगी विद्यार्थियों, मैं भी आपको ये टिप्स दे रहा हूं कि किसी भी आंसर को जब आप मुख्य परीक्षा में, ग्रेजुएशन के एग्जाम में, पीजी के एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, चाहे आपका हिस्ट्री ऑनर्स हो, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स हो, फिलोसफी ऑनर्स हो, हिंदी ऑनर्स हो, जो भी ऑनर्स पेपर आपका हो, आपका यदि अंदाजे बयां कुछ अलग है, आपका प्रस्तुतिकरण करने का तरीका यदि कुछ अलग है, तो आप विश्वास मानिए कि आपको नंबर बहुत अच्छे आएंगे। आप किसी भी समारोह में जाते हैं, शादी में जाते हैं, जन्मदिन में जाते हैं, तो आप कोई गिफ्ट देते हैं तो उसको पैकिंग करवा करके खूब सुंदर, ऊपर से फूल लगवा करके, कार्ड लगा करके, उसमें खूब सुंदर से नाम लिख करके देकर के आते हैं। क्यों? यही है प्रस्तुतिकरण। आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, वहां पे देखते होंगे सलाद जो परोसा जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से परोसा जाता है, मूली अलग काट करके, खीरा का डिजाइन काट करके, नींबू का डिजाइन काट करके, मिर्चा का फूल बना करके, पत्ता गोभी, धनिया पत्ती सब करके खूब बढ़िया से प्लेट में सजा के लाता है। मूल्य कितना रहता है? 60-50 रुपया एक प्लेट का। लेकिन जब उसी सलाद को आप लाइन होटल्स में लेते हैं तो 4 टुकड़ा खीरा कर दिया, 4 मूली कर दिया, 4 प्याज काट करके दे दिया, 1 हरा मिर्चा दे दिया और ला करके एक प्लेट में लग दिया, ऐसे करके आपको उसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो प्रस्तुतिकरण बहुत मैटर करता है, आप कैसे किसी चीज को प्रस्तुत करते हैं किसी के सामने, ये बहुत ही मैटर करता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। इसलिए अभी से जीवन का लक्ष्य बना लें कि मैं प्रस्तुतिकरण अपने आप को बेहतर तरीके से करूंगा, चाहे पीटी का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का हो, जहां जहां मुझे लिखित परीक्षा देनी है, जहां जहां मुझे अपने आप को लिखने का मौका मिलेगा, चाहे वह ग्रेजुएशन का हो, पीजी का हो, चाहे मेंस हो, कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा का, वहां मैं प्रस्तुतिकरण औरों से अलग हटके करूंगा ताकि मुझे एवरेज मार्किंग ना मिले, मुझे ज्यादा अच्छे अंक आए और मैं दूसरों की तुलना में ज्यादा अच्छे अंक ला करके औरों से आगे बढ़ जाऊं। यही आपके लिए मैं टिप्स देना चाहूंगा, इसे ध्यान देंगे। अब हम लोग आते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों, मेरे अति प्रिय, दिल के बहुत करीब, मेरे सम्मानित छात्रगण, आज
भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह सैन्य विद्रोह के नाम से प्रचलित 1857 की क्रांति का आगाज हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक एक विद्यार्थियों के खून में और रक्त में जोश जज्बा और जुनून भर जाए और उसके अंदर देशभक्ति की भावना आ जाए, उसके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा और जुनून हो कि हाँ जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई, वीर कुंवर सिंह, तत्या तोपे, मंगल पांडे ने जब देश के लिए शहादत हंसते हंसते दे दी, खून का बलिदान दे दिया, तो हम भी देश के लिए यदि कभी भी मौका लगेगा तो हम देश के लिए अपना बलिदान देने में नहीं चुकेंगे। इसलिए आज हम लोग 1857 की क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और हर प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए रामबाण साबित होगा। छतगण, 1857 की क्रांति में आपको क्या क्या पढ़ना है इसे पहले आप समझें और जानें। छतगण, 1857 की क्रांति का सबसे पहला टॉपिक है परिचय, इंट्रोडक्शन। क्या है 1857 की क्रांति? 1857 की क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे? 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये सारे चीजों को आपको जानना है परिचय में, इंट्रोडक्शन में, जिससे सवाल पूछे जाते हैं। हमारी दूसरी टॉपिक है मंगल पांडे की शहादत। चूंकि 1857 की क्रांति का बीजारोपण, 1857 की क्रांति की शुरुआत में जिस क्रांतिकारी ने इस क्रांति के लिए पूरे देश में आग की ज्वाला जला दी, एक चिंगारी ने पूरे देश में बारूद का ढेर खड़ा कर दिया, वो व्यक्तित्व थे मंगल पांडे। इनके बारे में भी हम लोगों को जानना है पूरा डिटेल्स। बहुत ही आनंददायक और बहुत ही जाबाज योद्धा मंगल पांडे के बारे में जानकर आपको काफी आनंद की अनुभूति होगी प्यारे विद्यार्थियों। विद्रोह का प्रारंभ, विद्रोह की शुरुआत कैसे हुई, कैसे 10 मई को मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हुई और धीरे धीरे करके सारे हिंदुस्तान को इसने अपने आगोश में ले लिया, ये पढ़ना है हमें विद्रोह का प्रारंभ में। नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोह के कारण। जैसा कि आप जानते हैं जितनी भी घटनाएं विश्व में घटित हुई हैं, हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण रहता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। प्रथम विश्व युद्ध कारण, द्वितीय विश्व युद्ध कारण, रूस की क्रांति कारण, चीन की क्रांति कारण, हर चीज के पीछे कारण रहता है। ठीक उसी प्रकार से 1857 की क्रांति के पीछे कौन कौन से कारण थे, किन कारणों के कारण 1857 की क्रांति हुई थी, उसे भी हम लोगों को जानना है। यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग आ रहे हैं, स्थान एवं नेतृत्वकर्ता। किन किन स्थानों में हमारे किन किन लीडर्स ने नेतृत्व किया, हमारे कौन कौन से ऐसे महानायक राष्ट्रभक्त स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, लाते लाते अपनी कुर्बानियां दे दी, इनके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे। इनसे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी विद्यार्थियों, छात्रगण। इसलिए आपको इस टॉपिक पर भी अपनी पूरी निगाहें रखनी होगी, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा। नेक्स्ट टॉपिक है विद्रोह के दमनकर्ता। छात्रगण, विद्रोह का दमन किन लोगों ने किया, किन अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सैन्य बल की बदौलत, अपने अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्र की बदौलत विद्रोह का दमन किया, विद्रोह का दमन चक्र चलाया, किन किन स्थानों में विद्रोह का दमन करने वाले अंग्रेज अधिकारियों के क्या नाम थे। इन अंग्रेज अधिकारियों के नाम, कहा जाता अंग्रेजों के नाम याद करने बहुत कठिन है, लेकिन मैं गुरुकुल की ओर से आपको यह दावा करना चाहूंगा कि मैं ऐसा शानदार टेक्निक आपको दूंगा इस विद्रोह के दमनकर्ता में कि आपको यह टॉपिक 2 मिनट में याद हो जाएगा और आप खुद से बोलना शुरू कर दीजिएगा, कहते सर ये तो ट्रिक बहुत मजेदार रहा और हमको ये तुरंत याद हो गया। ये आपको बहुत ही मजेदार ट्रिक मैं दूंगा ताकि इन दमनकर्ताओं के नाम, अंग्रेज दमनकर्ताओं के नाम आपको बिल्कुल याद हो जाएं, ये बहुत ही आनंद देगा आपको। छतगण, अगला टॉपिक है विद्रोह का स्वरूप, नेचर क्या था, नेचर ऑफ दिस रिवोल्ट। इस विद्रोह के बारे में अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। विनायक दामोदर सावरकर साहब कुछ अलग कहते हैं, हमारे टी आर होम साहब कुछ अलग कहते हैं, औटला महोदय कुछ और कहते हैं। तो जिन जिन लोगों ने इस विद्रोह के बारे में अलग अलग बातें कही हैं, हम उनके बारे में भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है विद्रोह के बारे में और यह विद्रोह वास्तविक अर्थों में क्या था, इसके बारे में विद्रोह का स्वरूप टॉपिक है। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसको भी हम लोग जानेंगे। छतगण, अगला टॉपिक है समर्थक एवं विरोधी। छतगण ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह का किसने समर्थन किया, कौन इस विद्रोह के विरोध में था, किन कारणों से समर्थन में था, किन कारणों से विरोध में था, और एक बात और, एक वर्ग ऐसा भी था जो तटस्थ था, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, तटस्थ अर्थात ना तो
वह अंग्रेजों के तरफ था, न वह भारतीय सैनिकों का साथ दे रहा था। वो बिल्कुल तटस्थ वर्ग था, शिक्षित मध्यम वर्ग। वो क्यों तटस्थ था? विद्रोह के समर्थक और विरोधी कौन थे? उन्होंने विद्रोह का समर्थन यदि किया तो किन कारणों से किया? विद्रोह का विरोध यदि किसी ने किया तो किन कारणों से किया? इसका भी हम लोग अध्ययन करेंगे। यह भी टॉपिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में जबरदस्त रूप से पूछी जाती है। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है जहां समझना आपको है, और मैं आपको इतनी आसानी से पानी की तरह समझा दूंगा कि आपको यह बिल्कुल आईने की तरह साफ हो जाएगा। ये आपको विश्वास मानिए मेरे प्रिय छात्रगण। छात्रगण, अगला टॉपिक जो हम लोग जानेंगे, विद्रोह के परिणाम। जैसा मैंने कहा, इतिहास में प्रत्येक घटना का परिणाम होता है। 1857 की क्रांति के भी कई परिणाम हुए। क्या क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद? अंग्रेजी सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए उसके बारे में भी हम जानेंगे कि विद्रोह के परिणाम क्या क्या हुए। ब्रिटिश सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद कौन कौन से कदम उठाए। प्यारे विद्यार्थियों, असफलता के कारण हम प्रतियोगिता परीक्षाओं में काफी मेहनत करते हैं, बहुत जबरदस्त रूप से दिन रात एक कर देते हैं, 12 घंटा 14 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं कि हमें असफलता का सामना करना पड़ता है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? हम मूल्यांकन करते हैं, स्व मूल्यांकन। किन कारणों से हम असफल रहे? मेरा कौन सा पोषण कमजोर था? क्या मेरा मैथ्स कमजोर था? क्या मेरा रीजनिंग कमजोर था? क्या मेरा इंग्लिश कमजोर था? क्या मेरा जीएस कमजोर था? मेरा क्या कमजोर था? क्या मैं टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में नहीं कर पाया? क्या मेरा कंसंट्रेशन पावर कमजोर था? इस चीज पर हम लोग हमेशा मूल्यांकन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से 1857 की क्रांति में कंधे से कंधा मिला करके लड़े हम। हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। एक और अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर थे तो दूसरी ओर तात्या टोपे थे। एक और रानी लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी ओर बेगम हजरत महल थे। एक और खान बहादुर खान साहब थे तो दूसरे ओर हमारे कुंवर सिंह महोदय थे। हिंदू मुसलमानों ने कंधा से कंधा मिलाकर के विद्रोह में अपनी जबरदस्त भूमिका निभाई। एक सम्राट बहादुर शाह जफर से लेकर के अंतिम मुगल बादशाह से लेकर के एक कृषक मजदूरों ने भी विद्रोह में जबरदस्त रूप से अपने देश के लिए आहुति दे दी। फिर भी हम असफल हो गए। क्या कारण था? असफलता के क्या कारण थे? इसका भी हम मूल्यांकन करेंगे इसी टॉपिक में, असफलता के कारण। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अंतिम टॉपिक प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, प्रतियोगिता में पूछे गए प्रश्नों की रूपरेखा। छात्रगण, ये आत्मा होती है, जैसा कि संस्थान ने आपको वादा किया है कि प्रत्येक चैप्टर के बाद हम लोग एक प्रैक्टिस टेस्ट पेपर आपको देंगे कि आज तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए जितने भी प्रश्न 1857 की क्रांति से पूछे गए हैं उसको आपको प्रैक्टिस करवा दें। इससे फायदा क्या होगा कि आप सारे क्वेश्चंस बैंक को यदि आप एक साथ 1857 की क्रांति का एक समूह में आप बना लोगे तो आपको चाहे SSC की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी आप कर रहे हो, JPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे UPSC की तैयारी कर रहे हो, चाहे CTET की तैयारी कर रहे हो, JTET की तैयारी कर रहे हो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो इस क्वेश्चन पेपर को बना लेने से, इस टेस्ट पेपर को बना लेने से उस अध्याय पर आपकी पकड़ पुख्ता हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, और आने वाले समय में जब आप प्रतियोगिता परीक्षा देने जाओगे तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। इसलिए यह टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही जरूरी होती है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अब तक इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इसे अपने नोट्स कॉपी में ड्राफ्टिंग आप कर लें और इसको जो है अपने कॉपी में बिल्कुल इसी अंदाज में उतारें तो काफी अच्छा रहेगा और बहुत ही सुंदर नोट्स तैयार होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इस जगह आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और इसको जो है अपने कॉपी में बिल्कुल इसी अंदाज में बनाएंगे और उसमें विभिन्न कलर का उपयोग करेंगे, और ग्रीन या रेड जो भी पेन आप यूज कर रहे हैं, ब्लू या ब्लैक दोनों को मिक्स करके इसको जो है आपको तैयार करना है। इस ड्राफ्टिंग को आपको तैयार कर लेना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, अब हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति का परिचय, जो कि पहला टॉपिक है। विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। छात्रगण, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह क्यों कहते हैं? आखिर क्या इसके पहले जितने भी विद्रोह हुए थे वो विद्रोह, स्वतंत्रता संग्राम, सैन्य विद्रोह या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहलाने के लायक नहीं थे? आपका जवाब होगा नहीं। इसके पहले कई विद्रोह हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा। 1806 में वेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि तमिलनाडु में हुआ था। 1824 में बैरकपुर का सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1831-32 में
कोल विद्रोह हुआ था जो कि झारखंड में हुआ था। 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था जो कि झारखंड में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था जो कि झारखंड में हुआ था, जिसे कार्ल मार्क्स ने, जो कि प्रसिद्ध विचारक थे, प्रसिद्ध दार्शनिक थे, उन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नोट्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री में उन्होंने लिखा है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। संथाल विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। लेकिन 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, सिपाही विद्रोह कहा जाता है, सैन्य विद्रोह कहा जाता है, इसके पीछे कारण है। यह विद्रोह, इसके पहले जितने भी विद्रोह हुए प्यारे छात्रगण, वे विद्रोह केवल एक सीमित क्षेत्र तक फैले हुए थे। जैसे कोल विद्रोह झारखंड के एक सर्टेन एरिया तक फैला हुआ था, संथाल विद्रोह वो झारखंड के संथाल परगना तक हुआ, भूमिज विद्रोह वो भी झारखंड के एक सर्टेन एरिया तक हुआ, वेलोर का सिपाही विद्रोह वो तमिलनाडु के वेलोर नामक स्थान तक ही सीमित था, बैरकपुर का विद्रोह वो भी बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान तक सीमित था। लेकिन 1857 की क्रांति संपूर्ण उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत इत्यादि में व्यापक पैमाने पर फैले थी और इसमें आम जनमानस की भूमिका अत्यंत जबरदस्त थी। मजदूरों ने, कृषकों ने, कारीगरों ने, दस्तकारों ने, सबों ने मिलकर, सिपाहियों ने, हमारे सैनिकों ने मिलकर के विद्रोह किया था। इसलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। छात्रगण, इस लाइन को आप तुरंत लिख लें, इससे सवाल आपके पूछे जाएंगे। लिखिएगा तीर का निशान देकर के छात्रगण, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कंप्लीट? हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीर का निशान। 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह, इनवर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, लाल कलम, छात्रगण, सैन्य विद्रोह, इनवर्टेड कॉमा, अंडरलाइन, लाल कलम के नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट? वेरी गुड। अब देखिए, सवाल आपके बन गए, अब सवालों को जानिए। प्रतियोगिता परीक्षाओं का विजेता वही बनता है जो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को जान जाता है कि सर सवाल क्या पूछे जाएंगे, क्या सवाल आएंगे। गौर करें, पूछेगा निम्नलिखित में से किस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। ऑप्शन देगा कोल विद्रोह, दूसरा देगा भूमिज विद्रोह, तीसरा देगा असहयोग आंदोलन, चौथा देगा 1857 की क्रांति। तो आप क्या आंसर लगाइएगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों? नंबर चार को आपको अपने ओएमआर सीट में या कंप्यूटर में क्लिक कर देना है, डी ऑप्शन को, यानी कि 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। दूसरा कहेगा किसे सिपाही विद्रोह या सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन में रहेगा 1857 की क्रांति, दूसरा रहेगा संथाल विद्रोह, तीसरा रहेगा भूमिज विद्रोह, चौथा रहेगा कोल विद्रोह। तो आपको लगाना होगा 1857 की क्रांति को सिपाही या सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किस नाम से नहीं जाना जाता है। आपका ऑप्शन रहेगा पहला भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा देगा सिपाही विद्रोह, तीसरा देगा सैन्य विद्रोह, चौथा दे देगा भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। वहां पे आपको लगाना होगा भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। इसे भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहा जाता है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। भारत छोड़ो आंदोलन को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसे कहा जाता है भारत का अंतिम स्वतंत्रता संग्राम। तो इसलिए आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के बारे में निम्न कथन दिए गए हैं, इनमें से किन कथनों को आप सही मानते हैं। नीचे ऑप्शन देगा यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, नंबर दो इसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, नंबर तीन इसे सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, नंबर चार उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगाना होगा प्रतियोगी विद्यार्थियों? नंबर चार उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यही आपका आंसर होगा, यही आपको आंसर देना होगा। तो इसलिए हर टॉपिक को क्लियर करने के बाद मैं उसका
पैटर्न ऑफ क्वेश्चन भी आपको बतलाते चलूंगा ताकि आप पैटर्न ऑफ क्वेश्चन से परिचित हो जाइए, अन्यथा आपको परेशानी होगी, दिक्कत होगी। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में याद रखिए कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के परिचय में ही आपको आगे बढ़ना है और तीर का निशान देकर के पुनः अपने नोट्स को आगे बढ़ाना है। लिखेंगे रेड या ग्रीन पेन से तीर का निशान देते हुए, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। प्रतियोगी विद्यार्थियों, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। पुनः क्वेश्चंस को समझे क्या पूछे जाएंगे? पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन में देगा लॉर्ड डलहौजी, दूसरा देगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, तीसरा देगा लॉर्ड एलन बरो, चौथा देगा लॉर्ड कैनिंग। क्या लगाइएगा प्रतियोगी विद्यार्थियों? नंबर 4 डी ऑप्शन को आपको रंगना है, लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? ऑप्शन में देगा असहयोग आंदोलन, दूसरा देगा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा देगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा देगा 1857 की क्रांति। क्या रंगेंगे आप? नंबर डी, चौथे ऑप्शन को यहां पर भी आपको रंगना है, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। तो छात्रगण ध्यान दीजिएगा, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? 1857 की क्रांति की महत्वपूर्ण घटना घटी थी। यह भी आपको प्रतियोगी विद्यार्थियों ध्यान देना होगा, याद रखना होगा। नेक्स्ट लिखेगा तीर का निशान देकर के प्रतियोगी विद्यार्थियों, परिचय में ही आपके टॉपिक चल रही है 1857 की क्रांति का परिचय, इसी में तीर का निशान देकर के लिखेंगे 1857 की क्रांति के समय भारत में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को इनवाइट कॉमा अंडरलाइन लाल कलम से रखेंगे छात्रगण, इनवाइट कॉमा रेड सॉरी ब्लू या ब्लैक पेन से करेंगे और अंडरलाइन जो है वह रेड या ग्रीन पेन से करेंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासन था। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, इससे भी सवाल आपको पूछे जाएंगे, 1857 की क्रांति के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? ऑप्शन में देगा अकबर द्वितीय, दूसरा ऑप्शन देगा शाहजहां द्वितीय, तीसरा ऑप्शन देगा बहादुर शाह प्रथम, चौथा ऑप्शन देगा बहादुर शाह द्वितीय, है ना? प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, बहादुर शाह जफर का ही वास्तविक नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है, इन्हीं को बहादुर शाह टू भी कहा जाता है, इन्हीं का नाम बहादुर शाह द्वितीय भी है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो आपका आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। फिर पूछेगा बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल में भारत में कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो 1857 की क्रांति हुई थी। यह भी प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना होगा, यह भी अपने आप में बहुत ही हिट क्वेश्चन है और जबरदस्त रूप से आता है। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्यारे छात्रगण, तीर का निशान रेड या ग्रीन पेन से और ब्लू या ब्लैक पेन से आपके नोट्स बनेंगे। हाँ, लिखे 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, पामर्स्टन 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको लगाना होगा पामर्स्टन थे। पामर्स्टन उस समय ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा, है ना? नेक्स्ट लिखेंगे तीर का निशान देके,
1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह, साइन जिसको कहा जाता है, कोड, प्रतीक चिन्ह रोटी, ब्रैकेट में कह देंगे चपाती, रोटी एवं कमल का फूल था। रोटी ब्रैकेट में चपाती एवं कमल का फूल, इनवर्टेड कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छात्रगण, बहुत हिट क्वेश्चन है ये, कमल का फूल था। कंप्लीट, हाँ, वेरी गुड। अब देखिए आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे, पूछेगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। अब यहां देखिए कैसे आप अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं, कैसे आप एग्जामिनर के द्वारा बिछाए गए चक्रव्यूह में जाल में फंस सकते हैं, और कैसे हम लोग आपको उस जाल से निकालने के लिए तत्पर रहेंगे, इसको आपको ध्यान रखना होगा प्रतियोगी विद्यार्थियों। कैसे आपको वहां पर दिक्कतें हो सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं, और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप इस चीज को ध्यान में देंगे। प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपसे सवाल आएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन क्या रहेंगे, ऑप्शन नंबर एक रोटी कलम, ऑप्शन नंबर दो रोटी कमल, ऑप्शन नंबर तीन रोटी गुलाब, रोटी सूर्यमुखी, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहां आएगी, आप कैसे एग्जामिनर के चक्रव्यूह में आप फंस सकते हैं, कैसे आपको अभिमन्यु के चक्रव्यूह में फंसाने की साजिश की जाएगी। चूंकि एग्जामिनेशन हॉल में आदमी तनाव में रहता है छात्रगण, है ना, उस तनाव में उससे गलतियां क्या हो जाती है। देखिए तनाव में कोई भी काम आप कीजिएगा तो गलती होनी स्वाभाविक है। आप तनाव में देखिए गाड़ी चलाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, देखिएगा एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तनाव में आप खाना बनाइए, चीनी की जगह नमक डाल दीजिएगा, नमक की जगह चीनी डाल दीजिएगा, नमक डालिएगा भी तो ज्यादा डाल दीजिएगा या डालना ही भूल जाइएगा। तो तनाव में किया गया कोई भी काम, और तनाव में पढ़ाई कीजिए, मैथ्स बनाइए, देखिएगा नहीं बनेगा आपसे, रीजनिंग बनाइए नहीं बनेगा, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन और मन की शांति बहुत बड़ी चीज होती है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। मन यदि शांत है तो सब कुछ शांत है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रात की नींद अच्छी तरीके से लें ताकि मन आपका शांत रहे और एकदम दिमाग कंसंट्रेट रहे, है ना प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। दिक्कत क्या होगी एग्जामिनेशन हॉल में और प्रॉब्लम क्या होगी, आप पहला ही ऑप्शन देखेंगे कि रोटी और कलम, और हवाई में पढ़ लेंगे इसको रोटी और कमल, है ना, ये गलती आपसे हो जाएगी और आप तुरंत ऑप्शन में ए लगा करके आगे निकल जाएंगे। और बाहर जब निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल में तो आपसे जब आपके दोस्त चर्चा करेंगे कि अरे तुम क्या लगाया जी 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह का जो सवाल आया था उसमें, बोले हम तो लगा दिए पहला ऑप्शन रोटी और कमल, अरे बेवकूफ उसमें रोटी और जो है कमल लिखा हुआ था, कौन सी लिखा था, रोटी और कलम ना था रे, यही तो तुमको फंसा लिया एग्जामिनर, अरे गलियो यार गल गलो हो गए क्वेश्चन वहां पर, चल गए वहां से, अब हम पास ना कर पा रहे वो। तो अब आप बताइए आपको के साथ ऐसा ना हो, इसलिए पहले से हम लोग आपको सचेत कर दे रहे हैं, सावधान कर दे रहे हैं कि आगे देखिए गड्ढा है, आगे खाई है, आपको बच के चलना है, आपको ब्रेक लगा देना है। इसलिए प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में एक रामबाण, एक टिप्स मैं दे रहा हूं जिसको आपको ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो उसके सारे ऑप्शन को पढ़ करके ही करें। प्रतियोगी विद्यार्थियों कैसे फंसाता है, रेलवे के एग्जाम में, एसएससी में, जेपीएससी वगैरह में अंतिम ऑप्शन आपको सही देगा और वहीं पर आप फंस जाइएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब तक आप सभी ऑप्शन नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आपको जवाब उसका नहीं देना चाहिए। इसलिए सारे ऑप्शन को पढ़िए तभी जवाब दीजिए, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो इसलिए याद रखिएगा छात्रगण, रोटी और कलम आपका जवाब गलत हो जाएगा, सही जवाब होगा रोटी और कमल। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी अर्थात चपाती और कमल का फूल। किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति जब एक हाथ में रोटी और एक हाथ में कमल का फूल लेकर के घूम जाता था तब उस गांव में यह प्रतीक हो जाता था, लोग यह जान जाते थे, सारे भारतीय जान जाते थे कि अब हमें विद्रोह कर देना है। अंग्रेज लोग हंसते थे कि लुक एट दिस इंडियंस व्हाट दे आर ईटिंग, दे हैव
दे हैवंट गॉट वेजिटेबल्स, उनके पास देखो सब्जी नहीं है, भारतीय लोग देखो क्या खा रहे हैं, कमल का फूल और रोटी खा रहे हैं। लेकिन अफसोसजनक रूप से उन्हें पता नहीं था कि अब अंग्रेजों को जबरदस्त रूप से गोली खानी पड़ेगी, अंग्रेजों का बंटाधार होने वाला है, ये उन्हें पता नहीं था प्यारे पत्तियों के विद्यार्थियों। तो इसलिए याद रखिएगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। कमल का फूल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है, इसे भी आप जानते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा कि रोटी और कमल का फूल ही 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। इससे भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो है अभी 1857 की क्रांति का परिचय टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर किया है। प्रतियोगी विद्यार्थियों 1857 की क्रांति के परिचय में हम लोगों ने जिन बातों को जाना उसको मैं फिर से दोहरा दूं ताकि आपके मन मस्तिष्क में फिर से वो सारी बातें आ जाए। क्योंकि याद रखिए इतिहास एक ऐसा विषय है जिसे जितनी बार दोहराया जाए वह उतना ही याद होता है, इसे जितनी बार सुना जाए वह उतना ही याद होता है, इसे जितनी बार याद करा जाए वह उतना ही याद होता है, इसके जितने ख्वाब और सपने देखा जाए वह उतना ही याद होता है। इतना याद कीजिए, इतनी बार दोहराइए, इतनी बार सुनिए कि आपके दिमाग में छप जाए। जिस प्रकार से आप एक डायलॉग को बार बार सुनते हैं तो आपके दिमाग में याद आ जाता है। 25 साल 30 साल पहले बनी थी फिल्म शोले, लेकिन आज भी जब आप डायलॉग सुनते हैं कि कितने आदमी थे रे सांभा, तो आपको तुरंत याद आ जाता है अरे शोले फिल्म का डायलॉग है, सरदार मैंने आपका नमक खाया है ले अब गोली खा, तुरंत आपको याद आ जाता है कि शोले फिल्म का गाना है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पिक्चर आपने कब देखी होगी, लेकिन आज भी जब शाहरुख खान का वो ट्यून बजने लगता है तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो तुरंत आपको याद आ जाता है अरे कौन फिल्म का हो, तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का है। कैसे याद है 20 साल तक की पुरानी बातें, कैसे याद है 10 साल तक की पुरानी बातें। फिल्म का सीन हम लोग नहीं भूलते हैं, एक एक चीजें याद रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसमें इंटरेस्ट लिया था, मजा लिया था। ठीक उसी प्रकार से प्यारे पत्तियों की विद्यार्थियों इतिहास को भी आप मजा लेने लगिएगा, सुनने लगिएगा, ध्यान देने लगिएगा, याद करने लगिएगा, बार बार सुनिएगा, तो मैं भी दावा करता हूं कि इस विषय से भी आपको मोहब्बत हो जाएगी, इस विषय से भी आपको प्यार हो जाएगा, इस विषय से भी आपको इश्क हो जाएगा और आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, प्यारे छात्रगण, मैं पुनः 1857 की क्रांति के परिचय से आपको रूबरू करवा रहा हूं ताकि पुनः आप इस टॉपिक को ध्यान दें। छात्रगण, पहली टॉपिक जो मैंने बताई थी आपको, 1857 की क्रांति को निम्न नामों से जाना जाता है। नंबर एक, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नंबर दो, सिपाही विद्रोह। नंबर तीन, सैन्य विद्रोह। है ना, सवाल आपको मैं बता चुका हूं। 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है, सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है, है ना। जिससे क्वेश्चन भी मैंने बताया कि 1857 की क्रांति को किन किन नामों से जाना जाता है, तो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, सैन्य विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशन में, आपको उसको सॉल्व कर देना है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। दूसरा सवाल आपसे आएगा मेरे प्रिय छात्रगण, पूछेगा 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। है ना, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कौन से सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, बताइए। 1857 की क्रांति, वेरी गुड, है ना, 1857 की क्रांति की घटना जो है घटी थी लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। तीसरी बात जो आपसे पूछी जाएगी उसको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति के समय भारत में किस मुगल बादशाह का शासनकाल था। मैंने पहले ही कहा आपको, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासनकाल था। 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का शासनकाल था, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, बहादुर शाह टू भी कहा जाता है। छात्रगण, फिर आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसमें भी आपको जवाब देना है। पामर्स्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, पामर्स्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये क्वेश्चन भी कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा चुका है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों। अंतिम सवाल परिचय में पूछेगा 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था। मैंने आपको बताया रोटी या चपाती और कमल का फूल। जिस भी गाँव में रोटी और कमल का फूल लेकर के कोई भी घूम जाता था तो 1857 की क्रांति की शुरुआत वहीं पर हो जाती थी। यह इसका प्रतीक चिन्ह था, यह इसका कोडवर्ड था, जिसे देख करके भारतवासी समझ जाते थे कि हमें विद्रोह करना है। तो इन सारे चीजों को प्रतियोगी विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना होगा, मनन करना होगा, याद रखना होगा और एक एक चीजों को स्मरण करना होगा। ये चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। अगले टॉपिक की ओर हम लोग आएंगे। हेडिंग बनाइएगा छात्रगण अपने नोट्स कॉपी में, रेड पेन जिनके पास है रेड, या ग्रीन कलम है ग्रीन, उससे आपका हेडिंग बनेगा मंगल पांडे की शहादत। यह हम लोगों की सेकंड टॉपिक होगी प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मंगल पांडे की शहादत।
हाँ हेडिंग बन गया आपका, हाँ वेरी गुड। प्रतियोगी विद्यार्थियों जानिएगा मंगल पांडे की शहादत ने कैसे 1857 की चिंगारी को पूरे देश में बारूद बना दिया और अग्नि की ज्वाला जो जली वह पूरे देश में प्रज्वलित हो गई और प्रेरणादायक कार्य किया था हमारे मंगल पांडे ने। छतगन उत्तर प्रदेश के बलिया का यह एक जवान था मंगल पांडे जो कि अंग्रेजी सेना में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में 34वीं इन्फेंट्री का जवान था। छतगन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में 34वीं इन्फेंट्री का जवान भारतीय जवान मंगल पांडे वहां पर कार्यरत था। घर से विशुद्ध ब्राह्मण शुद्ध शाकाहारी व्यक्तित्व, घर में प्याज लहसुन तक नहीं बनता था और दूध दूध तक मांसाहार से कोई लेना देना नहीं था। छतगन मंगल पांडे अंग्रेजी सेना में पदस्थापित था। एक दिन यह गंगा जी में स्नान कर अपने मंदिर में पूजा पाठ कर जा रहा था तभी उधर से एक साफ सफाई करने वाला भंगी आ रहा था। मंगल पांडे अपने धुन में सीताराम करते हुए भजन गाते हुए चला जा रहा था, उधर से भंगी भी चला आ रहा था। मंगल पांडे भी अपनी धुन में था, भंगी भी अपनी धुन में था। भंगी और मंगल पांडे की टकराहट होते होते बची। मंगल पांडे ने भंगी को कहा कि क्या दिखाई नहीं देता तुम्हें, तुम अंधे हो, क्या करते हो ये? अभी तुमसे मैं टकरा जाता तो मुझे फिर से नहाना पड़ता, फिर से पूजा पाठ करना पड़ता, अशुद्ध हो जाता मैं। भंगी ने उसे कहा कि मंगल पांडे तुम कहते हो कि मैं अशुद्ध हो जाता, तुम तो पहले से अशुद्ध हो, तुम्हारे पूरे शरीर में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त जो है शरीर के खून में गाय और सुअर की चर्बी दौड़ रही है। मंगल पांडे को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोधित हो गया वो कि उसने भंगी को पकड़ लिया और दो चार थाप रसीद कर दिए। उसने कहा बेवकूफ, मेरे घर में प्याज लहसुन तक नहीं बनता, मैं शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति हूं और तुम बोलता है कि मैं गाय और सुअर का चर्बी खा लिया हूं, बेवकूफ कहीं का। भंगी ने कहा चलो मैं दिखाता हूं। छतगन कलकत्ता के दमदम नामक स्थान में लेकर के वह भंगी मंगल पांडे को लेकर के गया। दमदम नामक स्थान में जब मंगल पांडे ने देखा कि बोए बोए कढ़ाई में गाय की चर्बी सुअर की चर्बी रखी हुई है, ग्रीस रखा हुआ है, कारतूस रखे हुए हैं और अंग्रेज लोग जो कारतूस का सील को पैक करते थे, जो उसमें ग्रीस लगाते थे, उसमें गाय और सुअर की चर्बी भरी जाती थी। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों आप जानते हैं गाय हिंदुओं के लिए जितनी पवित्र है सुअर मुसलमानों के लिए उतने ही नापाक है। गाय को हिंदू लोग माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, है ना? क्यों कहा जाता है माता? इसलिए नहीं कि यह धार्मिक परिपाटी है, धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, नहीं, इसके पीछे कारण है प्रतियोगी विद्यार्थी जिसको आपको जानना होगा। यदि किसी शिशु के जन्म के पश्चात उसकी माता की मृत्यु हो जाती है तो उसके लालन पालन का कार्य गौ माता के दूध से ही किया जाता है। डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि इसको गाय का दूध दीजिए, क्यों? क्योंकि गाय का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार माना जाता है। इसलिए चूंकि गाय के दूध से उस बच्चे का लालन पालन होता है इसलिए गाय को माता कहा गया है, ये कारण है, है ना? तो हिंदुओं के लिए गाय माता की तरह है, बहुत ही पवित्र मानी जाती थी और मुसलमानों के लिए सुअर उतना ही नापाक है। मुसलमान लोग सुअर से बहुत ही ज्यादा घृणा करते हैं और आप सोचिए अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस बनाए थे, उसके ग्रीस में लगाया जाता था, गाय और सुअर की चर्बी मिला दी जाती थी ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई लोग जब उसकी सील इतनी टाइट होती थी कि वह नाखून से नहीं खुलती थी, कितना भी बड़ा नाखून हो, दांत लगा के ऐसे खींच के खोलना पड़ता था। अब सोच लीजिए कि जो व्यक्ति गौ को माता कह रहा है वो गाय का सील ऐसे करके कारतूस का सील खोला, है ना, तो उसको कितना अंदर से घृणा आएगा, कह रहे गाय का चर्बी मेरे मुंह में चला गया। जो व्यक्ति सुअर से नफरत कर रहा है हमारे मुस्लिम भाई लोग, उसके मुंह में सुअर का चर्बी चला गया, उसके अंदर में कितने घृणा की भाव आएगी, आप खुद इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। छतगन जब मंगल पांडे को पता चला कि अंग्रेज लोग उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, छतगन आप जानते हैं कि भारत एक संवेदनशील देश है और यहां पर धार्मिक रूप से लोग कितने संवेदनशील हैं, आपको यह पता है,
धर्म पर प्रहार हो यह लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मंगल पांडे को भी यह चीजें बर्दाश्त नहीं हुई और छतगन उसने 29 मार्च 1857 तिथि को याद रखिएगा, को बैरकपुर सैन्य छावनी में अपने दो सैन्य अधिकारी हरसन या ह्यूसन और बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। छतगन क्रोध में आवेश में आदमी क्या करता है उसे पता नहीं चलता है, और जब धर्म पर प्रहार कर दिया जाए तब तो व्यक्ति और भी आक्रोशित हो जाता है। मंगल पांडे को अफसोस हुआ कि बताओ जिस अंग्रेजों के लिए मैंने गोलियां खाई, जिन अंग्रेजों के लिए मैंने युद्ध लड़े, जिन अंग्रेजों के लिए मैंने अपने भारतीयों से बगावत करके अंग्रेजी सेना में मैं भर्ती हो गया, उन अंग्रेजों ने बदले में मुझे क्या दिया? यही मेरे धर्म को भ्रष्ट कर दिया गया, मेरी धार्मिक मान्यताओं को खत्म कर दिया गया। और इसी गुस्से में उसने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर सैन्य छावनी में अपने दो अंग्रेज सैन्य अधिकारी हरसन, जिन्हें ह्यूसन भी कहा जाता है, और बाघ की गोली मार करके हत्या कर दी। और मंगल पांडे को इसी कारण से छतगन 8 अप्रैल 1857, इसको भी आपको याद रखना होगा, को मंगल पांडे को प्री प्रतियोगी विद्यार्थियों बैरकपुर सैन्य छावनी में खुले आम जनता के बीच में फांसी दे दी गई, ताकि लोगों में खौफ का एक मंजर बने, लोगों में खौफ आ जाए कि देखो अंग्रेजों के खिलाफ कोई विद्रोह करेगा तो उसका यही हश्र होगा। लेकिन छतगन मंगल पांडे की शहादत खाली नहीं गई, मंगल पांडे की शहादत ने लोगों के रक्त में एक उबाल पैदा कर दिया, पूरे भारतवर्ष में क्रांति की ज्वाला जलने लग गई, और मंगल पांडे की शहादत ने इस क्रांति का बीजारोपण कर दिया था। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को छतगन फांसी दे दी गई थी, और यह हमारे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, जिन्हें मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। छतगन मंगल पांडे ने एक प्रसिद्ध कथन भी कहा था, मारो फिरंगियों को, मारो अंग्रेजों को। फिरंगी किसे कहा जाता है? अंग्रेजों को कहा जाता है। मारो फिरंगियों को, इसको भी छतगन आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छतगन मंगल पांडे की शहादत बेकार नहीं गई और 1857 की क्रांति का बीजारोपण हो गया, इसलिए यह टॉपिक भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त रूप से प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए आपको पैनी निगाह रखनी होगी, एक एक चीजों को ध्यान रखना होगा। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन को आप समझिए, है ना, उसके बाद हम लोग लिखने की कार्रवाई करेंगे। पहले समझिए पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि मंगल पांडे से प्रतियोगिता परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, मंगल पांडे से पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, मंगल पांडे का संबंध भारत के किस राज्य से था? नंबर एक देगा बिहार, नंबर दो देगा जम्मू कश्मीर जो कि आपके शासित प्रदेश हो गया है, नंबर तीन देगा केरल, नंबर चार आपको दे देगा पश्चिम बंगाल, नंबर पांच दे देगा उत्तर प्रदेश। तो आपको क्या लगाना है? नंबर पांच को अपने मार्कशीट में रखना है, कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है कि इनका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा, मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से था, है ना। ऑप्शन में आपको देगा नंबर एक लखनऊ, नंबर दो देगा आपको बरेली, है ना, नंबर तीन आपको दे देगा बलिया, नंबर चार आपको दे देगा जो है सहारनपुर। ठीक है, तो आपको लगाना होगा कि ये बलिया के थे मंगल पांडे, नंबर तीन ऑप्शन को आपको रंग देना है कि ये उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान के थे, है ना, मंगल पांडे, जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा छतगन, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के किस सैन्य छावनी में पदस्थापित थे? छतगन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल पांडे पदस्थापित थे, इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना होगा, मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में पदस्थापित थे। चौथा सवाल आपसे पूछेगा, उसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, उसको भी मनन करना होगा, उसको भी स्मरण करना होगा, और एक चीजों को याद रखना होगा। छतगन आपसे पूछेगा कि मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के कौन से बटालियन या इन्फेंट्री के जवान थे? ऑप्शन देगा 33 पहला, दूसरा ऑप्शन देगा 34, तीसरा ऑप्शन देगा 35, चौथा ऑप्शन देगा 36। तो आपको क्या लगाना होगा? 34, 34वीं इन्फेंट्री के जवान थे मंगल पांडे। ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का बहुत ही हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल पूछे जाएंगे छतगन, मंगल पांडे ने अंग्रेज सैन्य अधिकारियों की हत्या किस तिथि को की थी? ऑप्शन देगा 27 मार्च 1857, 28 मार्च 1857,
29 मार्च 1857, 30 मार्च 1857। छतगन आपको आंसर 3 लगाना होगा, सी को अपने उमामा सीट में रखना होगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अधिकारियों हडसन और बाघ की गोली मारकर हत्या किस स्थान में की थी? आपको लगाना होगा बैरकपुर में की थी। मंगल पांडे ने किन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी? ऑप्शन में देगा हडसन या ह्यूसन, नंबर एक। दूसरा देगा बाघ। तीसरा ऑप्शन देगा ए एवं बी दोनों। चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। आपको लगाना होगा छतगन ए एवं बी दोनों। इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। फिर आपसे पूछेगा मंगल पांडे ने अपने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या 29 मार्च 1857 को की थी। मंगल पांडे को इस हत्याकांड के कारण फांसी कब दी गई? ऑप्शन देगा 7 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857, 9 अप्रैल 1857, 10 अप्रैल 1857। वहां को लगाना होगा प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी अपने इन दो सैन्य अधिकारियों की हत्या के कारण। फिर आपसे पूछेगा मंगल पांडे को फांसी कहां दी गई, है ना? ऑप्शन देगा बलिया, लखनऊ, बैरकपुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना होगा बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। फिर पूछेगा 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद क्रांतिकारी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को कहा जाता है? ऑप्शन देगा वीर कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन देगा बहादुर शाह जफर, तीसरा देगा तात्या तोपे, चौथा देगा मंगल पांडे। क्या लगाइएगा प्रतियोगी विद्यार्थियों, जवाब दें। आपके औसत में भी जवाब सुनना चाहता हूं। हाँ बहुत अच्छा, आपने जवाब दिया मंगल पांडे, है ना? डी ऑप्शन को आपको रंग देना है प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। पूछेगा 1857 की क्रांति के किस क्रांतिकारी ने कहा था मारो फिरंगियों को, है ना? आपको लगाना होगा मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। तो छतगन प्रतियोगिता परीक्षाओं में मंगल पांडे की शहादत से भी कई प्रश्न आज तक पूछे जा चुके हैं। एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, यूपीएससी, सीटेट, जेटेट, हर जगह इसके सवाल आपको मिलेंगे हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में। इसलिए आपको इसे ध्यान में रखना होगा, एक एक चीजों को याद रखना होगा, एक एक चीजों को मनन करना होगा। अब लिखने की कार्रवाई करेंगे छतगन। मंगल पांडे की शहादत आपकी हेडिंग बन चुकी है लाल कलम और हरा कलम से, या लाल कलम या हरा दोनों में से एक, और ब्लू या ब्लैक से अपना नोट्स लिखना है। लाल या हरा कलम से तीर का निशान देंगे छतगन। हाँ लिखेंगे मंगल पांडे का संबंध उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से था। हो गया? हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान लाल कलम या ग्रीन से। मंगल पांडे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में चौंतीसवीं इन्फेंट्री देखें बोर्ड में भी छतगन लिखा हुआ है, इन्वर्ट कॉमा अंडरलाइन में रखेंगे छतगन, 34वीं इन्फेंट्री में सैनिक के रूप में पदस्थापित थे। नेक्स्ट तीर्थ निशान कंप्लीट हो गया ये लाइन। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट तीर्थ निशान एक दिन कलकत्ता के दमदम नामक स्थान में, एक दिन कलकत्ता के दमदम नामक स्थान में मंगल पांडे को यह पता चला कि अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस भारतीय सैनिकों को प्रयोग के लिए दे रहे हैं, जिससे भारतीय सैनिकों का धर्म भ्रष्ट हो रहा है। इसके कारण मंगल पांडे ने क्रोधित होकर, आक्रोशित होकर भी लिख सकते हैं, क्रोधित होकर के भी, हाँ जो शब्द आपको सूट करे, सबका ठीक है छतगन, क्रोधित होकर 29 मार्च 1857 को
इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण। तिथि पूछता है बहुत एग्जाम में, 29 मार्च 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में, बैरकपुर को भी इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे छात्रगण, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में अपने दो अंग्रेज सैन्य अधिकारी हर्सन या ह्यूसन, नाम बोर्ड में मौजूद है छतगन, हर्सन या ह्यूसन दोनों नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है, हर्सन या ह्यूसन और बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी। कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में खुलेआम फांसी दे दी गई। 8 अप्रैल 1857 को छतगन इनवाइट कमांड लाइन में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है ये, फांसी दे दी गई। नेक्स्ट, मंगल पांडे ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, तीर का निशान देके लिखेंगे छतगन, मंगल पांडे ने एक प्रसिद्ध कथन कहा था, मारो फिरंगियों को, फिरंगी यानी अंग्रेज, मारो फिरंगियों को, इनवाइट कमांड लाइन में रखिएगा छात्रगण, एसएससी रेलवे का बहुत ही प्यारा सवाल, जेपीएससी भी पूछ चुका है, मारो फिरंगियों को, सीटेट में भी आ चुका है, जेटेट में भी आ चुका है। हाँ, कंप्लीट, वेरी गुड। नेक्स्ट तीर का निशान छात्रगण, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद क्रांतिकारी, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद क्रांतिकारी मंगल पांडे को कहा जाता है। कंप्लीट, वेरी गुड। छतगन, इस टॉपिक को पुनः मैं समझा दूं, इतिहास दोहराते रहने का नाम है, यह एक ऐसा विषय है छतगन, जिससे यदि आपकी आपने रोज मुलाकात नहीं की, दोस्ती नहीं निभाई, प्रत्येक दिन अपने मित्र से नहीं मिले, तो याद रखिएगा कि यह मित्र शत्रु बन जाता है और पीठ पीछे खंजर भोग करके विश्वासघात करता है और आपके ब्रेन से सारे आंकड़ों को, इतिहास के सारे कैरेक्टर्स को डिलीट मार देता है। इसलिए इसके साथ डेली मित्रता करें, डेली इसके साथ मिलें, मिले नहीं तो फोन पर बातचीत कर लें, क्योंकि इस मित्र को खुश रखना बहुत जरूरी है। इसलिए इसको जितना दोहराइएगा, जितना याद करिएगा, जितना लिखिएगा, जितना याद करके सुनाइएगा, उतना ही यह मजबूत बन जाएगा, फेविक्विक की जो की तरह आपके साथ चिपक जाएगा। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, प्रतियोगी विद्यार्थियों, क्या सवाल आएंगे मंगल पांडे से, गौर कीजिएगा। पूछेगा पहला सवाल, मंगल पांडे का संबंध भारत के किस राज्य से है? ऑप्शन रहेगा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक, आपको लगाना होगा उत्तर प्रदेश। दूसरा सवाल छात्रगण आपसे पूछेगा, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थे? आपको लगाना होगा बलिया। किस जिले से थे? बलिया जिले से संबंधित थे, ध्यान रखेंगे छात्रगण। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा, मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से संबंधित थे, ये पश्चिम बंगाल के किस स्थान में अंग्रेज सेना में एक भारतीय जवान के रूप में पदस्थापित थे? आपको लगाना होगा बैरकपुर। क्या ऑप्शन लगाइएगा छात्रगण? बैरकपुर सैन्य छावनी में ये एक जवान के रूप में पदस्थापित थे, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में। फिर पूछेगा, मंगल पांडे बैरकपुर सैन्य छावनी में एक भारतीय जवान के रूप में पदस्थापित थे, एक सैनिक के रूप में पदस्थापित थे, बैरकपुर कहां है? तो आपको लगाना होगा पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है बैरकपुर। छात्रगण पूछेगा आपसे, मंगल पांडे को यह कहां पर पता चला कि अंग्रेज गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस भारतीय सैनिकों को प्रयोग के लिए दे रहे हैं और उनके धर्म को
भ्रष्ट कर रहे हैं, ऑप्शन में देगा बैरकपुर में, दूसरा ऑप्शन में देगा बलिया में, तीसरा ऑप्शन देगा कोलकाता के दमदम नामक स्थान में, चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको लगाना होगा कोलकाता के दमदम नामक स्थान में, जो कि वर्तमान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा के नाम से प्रसिद्ध है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है छतगन। सवाल पूछा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भारत के किस शहर में है, कोलकाता में है। यह सवाल मैं अलग आपको बतला रहा हूं, जो कि प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार आ चुका है। साथ ही साथ ये भी पूछता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा का पुराना नाम क्या था, दमदम एयरपोर्ट नाम था इसका, दमदम। आज भी कोलकाता आप जाइएगा तो किसी को बोलिएगा कि मुझे दमदम ले चलो, तो आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा ही ले जाएगा। आज भी दमदम के नाम से वो प्रसिद्ध है। जिस प्रकार कोलकाता को आज भी लोग कलकत्ता ही कहते हैं, उस प्रकार से आपको जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा वो दमदम एयरपोर्ट का ही नया नाम है। ये भी छात्रगण आपको ध्यान रखिए, कॉम्पिटिशन इसी का नाम है। एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे कोरिलेट करके अन्य टॉपिक्स को भी जान लीजिए, क्योंकि बाबू कॉम्पिटिशन एक ऐसा चीज है जहां कुआं का मेहक जो होता है वो नहीं जीतता है, या समुद्र का गोताखोर बनना पड़ेगा आपको। और याद रखिए, समुद्र में गोते लगाना और तैरना जिस दिन आपने सीख लिया, तो प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, समुद्र का गोताखोर को और कोई बहुमूल्य रत्न मिले चाहे ना मिले, लेकिन एक शंख भी यदि मिल गया तो शंख को बजा करके आप माँ सरस्वती और भगवान गणेश को, अपने आराध्य देव को खुश कर सकते हैं और प्रतियोगिता परीक्षाओं में उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं सफलता का। इसलिए समुद्र का गोताखोर बनिए, कुआं का मेहक नहीं, क्योंकि कुएं के मेहक को कभी भी आज तक शंख नहीं मिलता है, लेकिन समुद्र के गोताखोर को शंख जरूर मिल जाता है। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मंगल पांडे को दमदम नामक स्थान में पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस अंग्रेज मिला रहे हैं और भारतीयों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इससे आक्रोशित होकर उसने कब अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की? ऑप्शन मिलेगा 27 मार्च, 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च। आपको लगाना होगा 29 मार्च 1857 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारी की गोली मार करके हत्या कर दी थी। पूछेगा किन दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, तो हडसन या ह्यूसन और बाघ की गोली मार करके हत्या कर दी थी। पूछेगा मंगल पांडे की शहादत किस तिथि को हुई थी, 8 अप्रैल 1857 को। किस क्रांतिकारी ने कहा था मारो फिरंगियों को, मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगियों को। छतगण एक एक चीजों को ध्यान दें, एक एक चीजों को मनन करें, याद रखें, आपको ऐसा लगना चाहिए कि मंगल पांडे आपके सामने आके खड़ा हुआ है और मंगल पांडे अपने जौहर को दिखा रहे हैं आपके सामने। इससे क्या होगा कि आपको इस विषय में तो मजा आएगा ही आएगा, लगेगा आपको कि 1857 की क्रांति आपके सामने हो रही है और यही चीजें आपको आगे ले जाएगी। प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थियों, जो भी चीजें मैंने आज लिखाई हैं, जो भी चीजें मैंने आपको समझाया है, बस आप इसको दोहराते रहें, याद करते रहें। मैं इतना तो दावा जरूर करूंगा कि आपको क्लासेस में तो काफी आनंद आया ही होगा, और साथ ही साथ आपने जो नोट्स लिखे हैं उसको आप एक बार भी सरसरी निगाह से देख लेंगे तो आप उसे आराम से याद कर लेंगे। मैं ये भी उम्मीद करता हूं और पूरी तरीके से आशान्वित हूं कि आपको मैंने जितनी बातें बताई हैं उनमें से 80-90% बातें तो आपको अभी याद हो गई हैं। एक बार आप जो नोट्स मैंने लिखाई है उसको आप दोहरा लोगे घर पर, एक बार आप उसको दोहरा लोगे तो आपको वो और भी पुख्ता हो जाएंगे। जिस प्रकार से मिस्त्री जो काम करता है घर में, जो सीमेंट मार करके दीवाल को प्लास्टर चला जाता है, लेकिन अगले दिन उस पर हम लोगों को उसको मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है प्रतियोगी विद्यार्थियों, पानी पटाना पड़ता है। पानी हम लोग जब पटा देते हैं तो वह दीवाल क्या होता है, लोहे की तरह मजबूत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से टीचर्स आपको जो भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, यदि घर पर आपने उसे दोहरा लिया तो वह भी आपके लिए लोहे की दीवार बन जाएगा, अभेद हो जाएगा, फेविक्विक की तरह आपके दिमाग में चिपक जाएगा। प्रतियोगी विद्यार्थियों, रात को 2 बजे भी कोई उठा करके आपसे पूछेगा कि बताओ मंगल पांडे ने किन दो सैन्य अधिकारियों की हत्या की थी, आप तुरंत कहिएगा उसको कि तुम क्या सोचता है कि रात को 2 बजे उठा करके पूछेंगे तो हम भूल जाएंगे, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। हडसन या हुसन और बाघ की हत्या की थी, और बतावें कब किया था, 29 मार्च 1857 को किया था, और बतावें बैरकपुर में किया था, मंगल पांडे कौन था बताएं, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर सैन्य छावनी में पदस्थापित एक जवान था जो कि 34वीं इन्फेंट्री का जवान था, उसको फांसी कब हुआ ही भी बता देगा, 8 अप्रैल 1857 को हुआ था उसको फांसी, है ना। उसने क्या कहा था मैं ये भी बता दूं क्या, उसने कहा था मारो फिरंगियों को। उसका संबंध किस राज्य से था, उत्तर प्रदेश के बलिया से था। और भी कुछ सुनना है, तब आपका मित्र कहेगा नहीं बॉस, हाँ जो होता है, बाप रे बाप, रात को 2 बजे भी तुम्हारा दिमाग हुआ इतना एक्टिव है कि सब चीज तुम बता दिया, तो आपको कहना होगा कि मुझे समझाया ही ऐसे गया था, मुझे बताया ही ऐसे गया था,
मुझे दोहराया ही ऐसा गया था, मुझे क्लास में इतना डटा दिया गया है कि मैं रात को 2 बजे भी इस चीज को बताने का हिम्मत रखता हूं, हौसला रखता हूं, जज्बा रखता हूं। यही आपको आगे ले जाएगा प्रतियोगी विद्यार्थियों, यही जज्बा जुनून रखिए। गुरुकुल यह वादा करती है कि आपको हम लोग हर बात कक्षाओं में ही याद करवाएंगे, आपके लिए जीतो मेहनत और परिश्रम हम लोग करेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को पहा पहा करके उनको इतना अंदर से मेहनत और ऊर्जावान बना देना, इतना कठिन परिश्रमी बना देना कि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को किनारे करते हुए स्वयं आगे बढ़ते हुए मंजिल को प्राप्त कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। अगली कक्षाओं में छात्रगण हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, 1857 की क्रांति के कारण और अन्य विषय जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए आपको मैंने ड्राफ्टिंग करवाई है, उन सभी विषयों पर हम लोग जानेंगे। और आप लोग इन सब चीजों को जो बताया गया है उसे निश्चित तौर पर पढ़ करके आइएगा और एकदम उसको तैयार कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि एकदम आलस नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई में, मेहनत एकदम आप जम करके करें और घर पर रिविजन भी जरूर करें। मैं पुनः आप लोगों से मिलूंगा, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार, प्यारे प्रतियोगी विद्यार्थी।